हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो वी आर बैक विद आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं, क्या बना रहे थे? शेजवान सॉस, वो भी इंडियन स्टाइल में। और पता है आपको कि इसमें सामान तो बहुत ही कम लगने वाला है, सो आप इसे कभी भी बना सकते हैं। और आपको पता है कि इसे बनाने के बाद हम इसे एक मंथ तक स्टोर भी कर सकते हैं, तो क्यों ना बनाते हैं इसकी रेसिपी। तो जल्दी से चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की ओर। तो सबसे पहले हम शेजवान सॉस के लिए रेड चिली ले लेंगे। तो रेड चिली में हमने जो खड़ी लाल मिर्च ली है ना, वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताती हूँ, बट यहाँ पर आप कश्मीरी और बेगड़ी भी यूज कर सकते हैं। सोया सॉस और टमाटो सॉस, तो यहाँ पर इन दोनों का मेजरमेंट हम बाद में देखेंगे। आधा कप यहाँ पर लहसुन लेना है हमें, उसके बाद धनिए की डंखल लेना है, पत्ती वाला पोर्शन नहीं लेना है। अदरक ले लेंगे थोड़ा सा, नमक, चीनी और तेल। तो शेजवान सॉस के लिए सबसे पहला स्टेप हमें सीड्स रिमूव करना होता है। तो मैंने यहाँ पर जो मिर्च यूज़ की है ना, वो गुंटूर मिर्च है, तो उसमें क्या थोड़ा तीखापन ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं सीड्स रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि सीड्स में ही तीखापन ज़्यादा होता है ना। और अगर आप कश्मीरी या बेकड़ी यूज़ करते हैं ना, तो बहुत कम तीखी होती है, तो उसमें सीड्स रिमूव करने वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। तो सारी मिर्ची से सीड्स को रिमूव करने के बाद हम आगे प्रोसेस पर चलेंगे। तो सीड्स तो रिमूव हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, पानी में इसे 10 से 15 मिनट तक गला देंगे। तो इसे भिगोकर 10 से 15 मिनट तक रहने देना है। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो ढक्कन हटा लेंगे। देख सकते हैं आप, पानी में येलोइश कलर भी आ गया है, तो ये अच्छे से गल चुकी है। अब दूसरे पानी में हम क्या करेंगे, इन मिर्ची को डालेंगे और इसे उबालने के लिए गैस पर रख देंगे। तो मिर्ची को उबालने के लिए लगभग 10 मिनट लगते हैं, अगर हम मीडियम फ्लेम पर रखते हैं तो। तब तक हम क्या कर लेते हैं, अदरक को कूट लेते हैं। तो यहाँ पे लहसुन और अदरक को साथ में नहीं कूटना है हमें, अलग अलग कूटेंगे। तो अदरक को कूटने के बाद हम यहाँ पर लहसुन ले लेंगे, तो लहसुन को भी कूटते जाएंगे। एक तरफ हमारी मिर्च भी उबल रही है, तो उबलने देते हैं इसे। और यहाँ पर आप अगर चाहे तो इसे चॉप भी कर सकते हैं, अगर बारीक बारीक चॉप कर देंगे तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, पर चटनी वाला पोर्शन मुझे कूटी हुई के साथ पसंद है, इसलिए मैं कूट रही हूँ लहसुन। मिर्ची बॉईल हो गई है, पीस लेंगे अब इसे। तो मिक्सिंग जार ले लेंगे, मिर्ची को निकाल लेते हैं, पानी नहीं लेना है यहाँ पे गर्म वाला। अब इसमें चिल्ड वाटर ले लेंगे, तो मैंने आइस क्यूब्स वाला अच्छा ठंडा पानी ले लिया है, अब इसे पीस लेंगे। तो देख सकते हो मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, अभी मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। तो देखिए ये थोड़ा दरदरा वाला है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे पकाने की तरफ चलते हैं, तो एक पैन ले लेंगे, तेल ले लेंगे इसमें। तो तेल इसमें ज़्यादा लगता है, जैसे हमने आधा कप भर के लहसुन लिया था, तो यहाँ पे हमें 3 से 4 चम्मच तो तेल आराम से चाहिए। अगर बड़े चम्मच देखे हो तो 2 बड़े चम्मच। अब यहाँ पर लहसुन डाल देंगे, गैस लो फ्लेम पर रखना है हमें, नहीं तो क्या होगा, लहसुन के जो क्रिस्पीनेस होके और लहसुन ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल वाइट वाइट ही चाहिए। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल लो फ्लेम पर है, तो यह आराम से धीमी आंच पर पक रहा है, हल्का सा पक जाएगा। उसके बाद इसमें अदरक ऐड करेंगे, अदरक ऐड करने के साथ ही साथ हम इसमें धनिए के डंखल को भी डालेंगे, तो बारीक बारीक काटना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, उसे डाल देंगे। इससे इंडियन टेक्सचर, इंडियन फ्लेवर बहुत अच्छे से उभर के आएगा। अच्छे से मिला लेते हैं। और हाँ, अगर आपको कैरी की और धनिए के डंखल की जो चटनी बनती है, स्पेशल चटनी, मेरे घर में रेगुलरली बनती रहती है हर समर्स में, तो आपको रेसिपी देखनी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जल्द से जल्द वीडियो लाएं। अब क्या करेंगे, जो मिर्च का पेस्ट बनाया ना, उसे डाल देंगे। गैस अभी भी लो टू मीडियम फ्लेम पर ही है, अच्छे से मिलाते जाएंगे। कितना अच्छा रंग दिख रहा है ना मिर्ची का, तो अच्छा हुआ ना सीड्स रिमूव कर दी थी, नहीं तो ये ज़्यादा तीखी हो जाती। अच्छे से मिलाते जाएंगे और पका लेंगे इसे। 5 मिनट तो आराम से इसे पकाना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा थिक लग रही थी चटनी, तो पानी जैसे ही डालते हैं ना, तो इसे 2 से 3 मिनट तो पकाना ही पड़ता है। अब इसमें टमाटो सॉस डालेंगे, तो टमाटो सॉस मैंने यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच यूज़ किया है। अगर आपका टमाटो सॉस स्वीट फ्लेवर का है, तो आप इसे थोड़ा कम डालिए, अगर खट्टा फ्लेवर है तो डाल सकते हो थोड़ा और भी। अब इसमें सोया सॉस डालेंगे, तो सोया सॉस वो जो सूप का स्पून होता है ना, उसको आधा भर दीजिए, उतना भर के डालना है। अब अच्छे से मिला लेंगे और इसे थोड़ा सा पकने देंगे। सॉस तो वैसे पके हुए, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब
अब इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपने सॉस भी डाले तो देख के डालिएगा थोड़ा सा। अब इसमें चीनी डाल देंगे आधा छोटा चम्मच। इससे क्या होगा, टेस्ट बैलेंस हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं, मीठा नहीं होगा बिल्कुल भी, थोड़ी सी डालनी है। अच्छे से मिला लेंगे तो देख सकते हैं इसका रंग बहुत ही अच्छा आया है और बिल्कुल प्रिपेयर ही है। तो हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम स्टोर करने के लिए इसे डिब्बे में रखेंगे। तो ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका था तो मैंने क्या किया, इसे डिब्बे में रख दिया है। इसे गर्म पानी से धो लिया था, सुखा लिया था, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम इसे स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। तो देख सकते हैं ऊपर एक तेल की लेयर दिख रही है, जैसे कि अचार में होती है। अचार में क्यों होती है तेल की लेयर, ताकि जो अचार है वो बिगड़े ना। तो इसीलिए हमने शेजवान सॉस में तेल ज्यादा रखा था। अब बात आती है कि इस तेल का यूज कहाँ पे करेंगे। तो कोई भी चाइनीज आइटम बना लिया, नूडल्स बना लिए, मंचूरियन बना लिया या मैगी बना ली, तो हम उसमें इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेवरफुल रहता है, बहुत ही टेस्टी लगता है डालने पे। आप बात नहीं मानेंगे, मैंने अभी रिसेंटली आलू की सब्जी बनाई थी, उसमें भी डाला था, बहुत टेस्टी लग रहा था। इसी तरह की नई वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमें इस आईडी पर इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, और वीडियोस कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इसी तरह की नई वीडियोस हम लाते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स रेसिपी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।